दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर तूफान देखने को मिला रोहित शर्मा का, जबकि कप्तान रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के धज्जियां उड़ा कर रख दिए। पहले तो एक ओवर में 56 रन उड़ाकर पूरे क्रिकेट जगत में तहस नहस कर दिया और महज इतनी गेंदों में टेस्ट मैच में 13 शतक ठोकने के बाद पूरे क्रिकेट जगत में कोहराम मचा दिया। आखिरकार साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को उसकी औकात याद दिला दी। तो दोस्तों आप भी देखना चाहते हो आखिरकार रोहित शर्मा की भयंकर बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में दो मैचों के सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की ओर से बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी और महज 139 गेंदों का सामना करते हुए 300 रनों की नाबाद और तूफानी पारी खेल डाली, जिसमें 11 गगन चुम्बे और 4 चौके भी शामिल थे। और इस तरीके से तेज टेस्ट मैच में 13 शतक ठोकने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने क्रिकेट जगत में इतिहास रच दिया। मगर दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, ये तो एक सिर्फ नेट प्रैक्टिस मुकाबला था, जबकि असली मुकाबला 3 जनवरी को भारतीय समय अनुसार 1:30 में खेला जाएगा।